जय भीम नमोबुद्धाय पाखंडवाद का करो सफाई और मैं राधा करूँ ना, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। भूत होता है या नहीं, यह सवाल सदियों से लोगों के मन में बसा हुआ है और बसा रहेगा। जब तक भगवान की कल्पना या सोच इंसानी दिमाग में स्थापित है तब तक यह सोच बनी रहेगी, तब तक शायद भूत की कल्पना भी बची रहेगी। भूत केवल भय नाम का है, जहाँ डर वहाँ भूत, जहाँ पाखंडवाद होगा वहाँ भूत तो होगा ही, लेकिन सच्चे अम्बेडकर वादियों को कभी कोई भूत नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देना। अंधविश्वास के नाम पर समाज का एक वर्ग महिलाओं को प्रताड़ित करने से भी नहीं चूकता, ऐसा ही एक मामला बिहार के समस्तीपुर जिले के सामने आया है। यहाँ एक बीमार महिला पर भूत प्रेत का साया कहकर तमाम ग्रामीणों के बीच उसके बाल खींचते जाते हैं और उसे सरेआम पीटने की धमकी दी जाती है। मामला समस्तीपुर के रसोड़ा अनुमंडल अंतर्गत हसनपुर थाना क्षेत्र के दूधपुरा पंचायत का है। दूधपुरा पंचायत वार्ड नंबर 15 में एक महिला के साथ स्थानीय भगत द्वारा अजीबोगरीब हरकत करते नजर आए। बता दें कि जानकारी के अनुसार दूधपुरा पंचायत निवासी छोटन पासवान की पत्नी को कथित तौर पर भूत ने जकड़ा हुआ था। महिला के परिजन उसे एक ओझा के पास झाड़ फूक के लिए ले गए थे, जहां भगत ने महिला का बाल पकड़कर और जल पिलाकर भूत भगाने और उसे बात करने का दावा करते दिखे। अंधविश्वास का ये काला खेल भारी भीड़ के सामने चलता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। ग्रामीणों के भीड़ के सामने भगत महिला के बाल पकड़कर खींचता रहा और उसे मारने पीटने की धमकी देता रहा। महिला के परिजनों ने दावा किया है कि महिला में भूत प्रवेश कर गया है। इसके बाद खरैया गांव में भगत ने भूत को भगाने का काम शुरू किया। गांव के ही एक वार्ड नंबर 15 के सीताराम पंडित बरसों से झाड़ फूक का काम किया करते हैं। भगत महिला का बाल पकड़कर भगत भूत झाड़ने लगा। यह नजारा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सीताराम पंडित वर्षों से भूत भगाने का काम करते आ रहे थे। वही भगत सीताराम पंडित ने दावा किया कि महिला पर दूसरे गांव का भूत का साया बना हुआ है। महिला पर से भूत भगाने को लेकर उसने कहा कि भूत फिर से आएगा, भूत को विधित पूर्वक भगाया जाएगा। इधर महिला के घर वालों ने दावा किया है कि महिला शारीरिक तौर पर कमजोर है, लेकिन भूत आने के कारण उसने कई लोगों को पटक दिया है। लोगों के ऊपर से भूत भगाने के लिए भगत सीताराम पंडित को गहबर स्थान में चढ़ावा मिलता है। भूत भगाने और झाड़ने के लिए वो आसपास के गांवों में काफी मशहूर होते जा रहे हैं। अंधविश्वास का खेल देखने के लिए इस पंचायत में लोगों की भीड़ अक्सर लगी रहती है, मगर इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन बेखबर है। सबसे ज्यादा महिला ही पाखंडवाद में जकड़ी हुई है। जब तक महिला शिक्षा से वंचित रहेगी तब तक पाखंडवाद भी इनके अंदर जिंदा बना रहेगा, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद।